इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने टॉप 10 ग्रेटेस्ट एनबीए प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए बास्केटबॉल वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहता हूं। ये तो आप सबको पता ही होगा कि एनबीए वर्ल्ड की बेस्ट बास्केटबॉल लीग है और एनबीए को स्टार्ट हुए अब 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी 75 इयर्स की हिस्ट्री में एनबीए ने हमें वर्ल्ड के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स दिए हैं और आज मैं इन्हीं प्लेयर्स में से अपने टॉप 10 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स सेलेक्ट करने वाला हूं। और ये लिस्ट कम्प्लीटली मेरे ओपिनियन और मेरी प्रेफरेंस से बनी हुई है, तो अगर आप मेरी लिस्ट से डिसएग्री करते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 10 लिस्ट बना के दे सकते हैं। मेरी टॉप 10 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 10 पे है शकील ओनील। शैक ने अपना NBA करियर 1992 में स्टार्ट किया था जब NBA एक सेंटर डोमिनेटेड लीग थी, और उस टाइम पे शैक ने अपने करियर की स्टार्टिंग से ही लीग को अपने साइज, स्ट्रेंथ और स्किल से डोमिनेट किया था। शैक NBA की हिस्ट्री का सबसे डोमिनेंट प्लेयर माना जाता है, जिसके प्राइम ईयर्स में उसे कोई भी डिफेंडर नहीं रोक सकता था। शैक ने अपने इनिशियल ईयर्स में ही डोमिनेट करके ऑरलैंडो मैजिक को NBA फाइनल्स तक पहुंचाया, और उसके बाद लेकर्स और मायामी के साथ 4 NBA चैंपियनशिप जीता। उसके अलावा वो 3 बार फाइनल्स MVP बना और 1 बार लीग MVP बना, और उसके जैसा प्लेयर आज तक NBA में नहीं आया है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 9 पे है हकीम ओलाजुवान। हकीम 80s और 90s में ह्यूस्टन रॉकेट्स का सेंटर था और वो NBA हिस्ट्री का सबसे स्किल्ड सेंटर माना जाता है। हकीम एक एलीट और डोमिनेंट टू वे प्लेयर था और आज भी NBA को ब्लॉक्स में लीड करता है। वो 1984 की स्टार स्टडेड ड्राफ्ट क्लास में जॉर्डन, चार्ल्स बाकली और स्टॉकटन से पहले नंबर 1 पे ड्राफ्ट हुआ था। हकीम का फुटवर्क आज भी NBA का बेस्ट फुटवर्क माना जाता है, और उसका सिग्नेचर मूव द ड्रीम शेक एक बहुत ही अनगार्डेबल मूव था। अपनी स्किल्स की वजह से वो माइकल जॉर्डन के एरा में 2 चैंपियनशिप्स जीता, 2 फाइनल्स MVP जीता, 1 MVP जीता और 2 बार डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर बना। आज भी बहुत सारे सेंटर्स हकीम का फुटवर्क कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीम के लेवल पे फुटवर्क को कोई भी मास्टर नहीं कर पाया है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 8 पे है सेल्टिक्स लेजेंड लैरी बर्ड। माइकल जॉर्डन के NBA में आने से पहले NBA में 2 स्टार्स थे जिन्होंने NBA की पॉपुलैरिटी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था, और वो थे मैजिक जॉनसन और लैरी बर्ड। उनकी एपिक राइवलरी ने एक डिक्लाइनिंग NBA में जान डाल दी थी, और लैरी बर्ड उस टाइम पे बेस्ट शूटर और बेस्ट क्लच प्लेयर माना जाता था। आज के एरा में लुका डोंसिच का कंपैरिजन लैरी बर्ड से होता है, क्योंकि वो दोनों ही प्लेयर्स अपने पेस पे गेम खेल के गेम को डोमिनेट करते हैं। लैरी बर्ड ने अपने हॉल ऑफ फेम करियर में 3 NBA चैंपियनशिप जीती, 2 फाइनल्स MVP जीते, 3 रेगुलर सीजन MVP जीते और सेल्टिक्स का एक ऑल टाइम लेजेंड बना। अब मेरे लिस्ट पे नंबर 7 पे है द लेट ग्रेट कोबी ब्रायंट। कोबी ने NBA में आते ही स्लैम डंक कॉन्टेस्ट जीत के अपने आप को लीग में एस्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन उसकी असली स्किल्स दिखती थी NBA प्लेऑफ्स में, जब उसने शैक के साथ मिलकर 3 कंसेक्यूटिव NBA चैंपियनशिप जीती थी। उसके लीग में आने के बाद उसको नेक्स्ट माइकल जॉर्डन भी बोला जाने लगा, क्योंकि उसका गेम और उसके स्किल्स माइकल जॉर्डन से एकदम सिमिलर थी। कोबी अपने एरा का वन ऑफ द बेस्ट क्लच प्लेयर्स था, और अपने करियर के एंड तक वो 5 चैंपियनशिप्स, 2 फाइनल्स MVP और 1 MVP जीत चुका था। अगर आपको उसकी ग्रेटनेस देखनी है तो आप उसकी कुछ एपिक परफॉर्मेंसेस देख सकते हो, जैसे कि जब उसने टोरंटो रैप्टर्स के अगेंस्ट एक ही मैच में 81 पॉइंट स्कोर किए थे, जो कि NBA हिस्ट्री का सेकेंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, या फिर आप उसके करियर का फाइनल गेम भी देख सकते हो जब उसने 60 पॉइंट स्कोर किए थे, जो दिखाता है कि वो अपने करियर के एंड में भी एक लेजेंडरी लेवल पे खेल रहा था। अब मेरी लिस्ट में नंबर 6 पे है सेल्टिक्स लेजेंड बिल रसल। अगर आपके हिसाब से NBA में चैंपियनशिप जीतना ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, तो बिल रसल को NBA हिस्ट्री का गोट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने 13 साल के NBA करियर में 11 चैंपियनशिप जीती और आज तक NBA में मोस्ट चैंपियनशिप्स का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। बहुत लोग उन्हें NBA हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट सेंटर कंसिडर करते हैं, और NBA फाइनल्स MVP की ट्रॉफी भी उनके नाम पे है। वो अपने करियर में 5 बार NBA MVP जीते, और उनके नाम पे कुछ इनसेन रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि उन्होंने एक ही मैच में 51 रिबाउंड्स लिए थे, जो कि एक इनसेन स्टैट है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे है विल्ट चेम्बरलेन। विल्ट 1960s में NBA के स्टार थे, जिन्हें बहुत सारे लोग आज भी NBA का गोट मानते हैं। विल्ट एक फ्रीक ऑफ नेचर थे, जिन्होंने 14 साल लीग को इंडिविजुअली डोमिनेट किया था। अगर आप उनके करियर की कोई भी स्टैट लाइन सुनोगे तो आपको एकदम इम्पॉसिबल लगेंगी। विल्ट ने सिर्फ एक गेम में 100 पॉइंट स्कोर किए थे, जो कि आज तक NBA हिस्ट्री का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरिंग गेम है, और उसके अलावा विल्ट के नाम पे आज भी 70 से ज्यादा NBA रिकॉर्ड्स हैं। उनका करियर एवरेज 30 पॉइंट्स और 23 रिबाउंड्स का है, जो कि आज के प्लेयर्स एक सीजन में भी नहीं कर पाते। उसके अलावा विल्ट के कुछ इनसेन NBA रिकॉर्ड्स हैं, उनका 50 पॉइंट सीजन एवरेज, उनका 55 रिबाउंड गेम,
उन्होंने 32 टाइम 60 प्लस पॉइंट स्कोर किए थे, 118 टाइम्स 50 प्लस पॉइंट स्कोर किए थे और 6 बार 70 प्लस पॉइंट स्कोर किए थे, जो कि अब सुनने में एकदम इम्पॉसिबल लगता है। इसी के साथ उन्होंने 2 बार NBA चैंपियनशिप जीती थी, 4 बार MVP बने थे और 1 बार फाइनल्स MVP बने थे। बहुत लोग विल चेम्बरलेन की NBA अचीवमेंट्स को ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस टाइम पे NBA का लेवल इतना हाई नहीं था और उस एरा की ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, तो लोग अच्छे से उनके गेम को एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने अपने एरा को डोमिनेट किया था और उन्होंने जो NBA रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं वो कभी भी बीट नहीं होंगे। अब मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है लेकर्स लेजेंड मैजिक जॉनसन। मैजिक जॉनसन ने लीग में आते ही पॉइंट गार्ड पोजीशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। उससे पहले पॉइंट गार्ड यूजुअली छोटी हाइट के प्लेयर्स होते थे, लेकिन मैजिक 6'9" की हाइट में पॉइंट गार्ड खेलता था और उस टाइम पे लीग का टॉलेस्ट पॉइंट गार्ड था। मैजिक को आज भी NBA हिस्ट्री का बेस्ट और ग्रेटेस्ट पॉइंट गार्ड माना जाता है। उसके पासेज एकदम एलीट लेवल के थे और वो बहुत ही फ्लैशी गेम खेलता था, लेकिन उसके साथ ही वो अपने करियर की स्टार्टिंग से ही एक चैंपियन भी था। मैजिक ने अपने पहले सीजन में ही NBA चैंपियनशिप जीत ली थी और फाइनल्स MVP बना था, जो कि NBA में एक रेयर अचीवमेंट है और बहुत सारे प्लेयर्स को चैंपियनशिप जीतने में सालों लग जाते हैं, लेकिन वो पहले सीजन से ही चैंपियन बन चुका था। और मैजिक ने अपने करियर के एंड तक 5 चैंपियनशिप्स, 3 MVP और 3 फाइनल्स MVP जीत लिए थे। अब बात करते हैं मेरे टॉप 3 ग्रेटेस्ट NBA प्लेयर्स की, और मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे है करीम अब्दुल जब्बार। करीम NBA हिस्ट्री के आर्ग्यूएबली ग्रेटेस्ट स्कोरर हैं और आज भी उनके 38,387 पॉइंट्स NBA हिस्ट्री के मैक्सिमम इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं। करीम 70s और 80s में NBA के सुपरस्टार थे और उन्होंने अपने करियर में 6 NBA चैंपियनशिप्स, 6 बार MVP और 2 बार फाइनल्स MVP जीते थे। करीम का सिग्नेचर शॉट द स्काई हुक आज भी NBA का मोस्ट अनगार्डेबल सिग्नेचर मूव है। और NBA के उस एरा में 38,000 पॉइंट स्कोर करना, जब 3 पॉइंटर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, करीम की ट्रू ग्रेटनेस और डोमिनेंस दिखाता है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे है शिकागो बुल्स लेजेंड माइकल जॉर्डन। आई नो एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टेक है और बहुत लोगों की लिस्ट में जॉर्डन नंबर 1 पे है और लोग आज भी उसे NBA का ग्रेटेस्ट प्लेयर मानते हैं, एंड दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल एंड फाइन। जॉर्डन 90s में NBA का बिगेस्ट स्टार था और उसने शिकागो बुल्स को 6 चैंपियनशिप जिता के एक डायनेस्टी बनाया था। माइकल स्टार्टिंग से ही एक किलर मेंटालिटी का प्लेयर था और अगर आपको उसके बारे में और ज्यादा जानना है तो आप नेटफ्लिक्स पे द लास्ट डांस डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, जिसमें उसके चैंपियनशिप माइंडसेट और इम्पैक्ट को कवर किया हुआ है। वो अपने करियर में 5 बार MVP बना, 6 बार फाइनल्स MVP बना और 2 बार स्लैम डंक चैंपियन बना। जॉर्डन का स्किल लेवल अपने टाइम से बहुत आगे था और उसकी जंपिंग और डंकिंग एबिलिटी आज के प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ सकती है, और अगर उसको आप एक किलर चैंपियनशिप मेंटालिटी के साथ कंबाइन कर दो तो आपको जॉर्डन जैसा एक ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर मिलता है। जॉर्डन ने अपने स्टारडम से NBA को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया था और वो 90s में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर एथलीट बन चुका था। लेकिन मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे और मेरे हिसाब से NBA का ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है नन अदर देन लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन सीधा हाई स्कूल से 2003 में 18 साल की एज में NBA में आया था और तब से लेके आज तक वो NBA को डोमिनेट कर रहा है। वो अपने करियर में 10 बार NBA फाइनल्स तक गया है और 2011 से 18 तक 8 बार लगातार NBA फाइनल्स तक पहुंचा है, जो कि मॉडर्न NBA में किसी भी प्लेयर ने नहीं किया है। उसके अलावा वो अपने NBA करियर में 3 अलग अलग टीमों के साथ 4 NBA चैंपियनशिप जीत चुका है, 4 बार फाइनल्स MVP बन चुका है और 4 बार रेगुलर सीजन MVP बन चुका है, जो कि NBA हिस्ट्री में किसी और प्लेयर ने नहीं किया है। और जिस हिसाब से वो अभी खेल रहा है, अभी भी उसके करियर के 4-5 साल तो आराम से बचे हुए हैं जिसमें वो और चैंपियनशिप जीत सकता है। लेब्रॉन अपने करियर में 37,000 पॉइंट से ज़्यादा स्कोर कर चुका है और 1-2 साल के अंदर ही वो लीग का हाईएस्ट स्कोरर बन जाएगा और करीम को पास कर देगा। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि माइकल जॉर्डन लेब्रॉन से बेटर है, लेकिन हम एरास के डिफरेंस की वजह से एक क्लियर विनर तो नहीं बता सकते। लेकिन मेरे हिसाब से लेब्रॉन ने अपने करियर में जो लॉन्जेविटी दिखाई है और पिछले 20 साल से वो NBA के टॉप में है, उसकी वजह से मैं उसे जॉर्डन के लेवल पे या जॉर्डन से थोड़ा ऊपर ही रखूंगा। और लेब्रॉन को नंबर 1 पे रखने का मेरा एक और रीजन ये भी है कि आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हिम प्ले और मैंने उसे इतने साल लीग को डोमिनेट करते हुए देखा है, लेकिन जॉर्डन को मैंने कभी लाइव खेलते हुए नहीं देखा, सिर्फ उसकी हाईलाइट्स ही देखी हैं, और उसकी वजह से मेरे ओपिनियन में एक स्लाइट बायस भी हो सकता है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड अगर लोग जॉर्डन को नंबर 1 पे रखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर है। तो ये थे मेरे टॉप 10 ग्रेटेस्ट NBA प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरी लिस्ट से डिसएग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं जल्द से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहता हूँ और पोस्ट करते रहता हूँ, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस।